मैडम, मैं इस सदन के और WCD मिनिस्ट्री के ध्यान में लाना चाहूँगी जो बहुत बड़ी एक करप्शन हो रही है पंजाब के ICDS प्रोग्राम में, जहाँ पे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो आंगनवाड़ियों में दिया जाता है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को और 0-6 ईयर्स के बच्चों को, ये 150 करोड़ का बजट जो सेंटर ने दिया फेक बेनिफिशरीज दिखा के, उसको 300 करोड़ का बजट करके जो खाना है वो ICDS रूल्स के हिसाब से प्राइवेट आधारों को नहीं दिया जा सकता, और ये स्टेट ओन्ड बॉडीज मिल्क मार्कफेड और वेरका बनाते थे, लेकिन सारे रूल्स की धज्जियां उड़ा के प्राइवेट आधारों को ये 300 करोड़ का जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है उनको दे दिया गया, जहां सब स्टैंडर्ड खाना और बच्चों के और मदर्स के साथ उनकी जिंदगी के साथ खेलवाड़ किया जा रहा है, वो टोटल फ्लाउटिंग ऑफ रूल्स हो रहा है। इसके बारे में मैंने मंत्री जी को लिख के भी दिया है। आज मैं डिमांड करती हूँ कि एक CBI की इंक्वायरी किया जाए, ये नहीं कि जैसे केंद्र पैसे रोक दे, क्योंकि गरीब बच्चियों और मावों का क्या इसमें दोष है जो सरकार घपला कर रही है। और आपको हैरानी होगी कि 28 लाख जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो महज 4500 रुपये महीने में काम करती हूँ, उनके हेल्पर्स को 2200 रुपये महीना मिलता है, जो मिनिमम वेजेस से भी कम है, इनको रेगुलराइज जहाँ सरकार को करना चाहिए वो तो क्या किया, लेकिन उनके जो ऑल इंडिया आंगनवाड़ी की जो प्रधान है, जब ये गंदे खराब खाने के पॉइजनस खाने के ऊपर जब उन्होंने मुद्दा उठाया तो उनको डिसमिस कर दिया, जो सरकारी ऑफिसर है CDPO उसको सस्पेंड कर दिया है, और शरेआम लोगों की जानों के साथ खेला जा रहा है, और ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो रूल्स के अगेंस्ट खास लोगों को दिया जा रहा है किकबैक्स करने के लिए, करप्शन करने के लिए, मैं डिमांड करती हूँ कि इसकी CBI इंक्वायरी करके सरकार और मंत्रियों को उनको पीनलाइज किया जाए, ना कि लोगों का खाना और उनका जो स्कीम का जो पैसा है वो ना रोक दिया जाए, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन में भी किया है, RDF में भी किया है, शिक्षा में भी किया है, कि लोग सफर करें क्योंकि सरकार घपले कर रही है। ये घपलों की सरकार है, आम आदमी सरकार, सारा देश जानता है। पूरे प्रदेश में आजादी के बाद से अब तक कोई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय नहीं है, जिससे युवा छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए बहुत कठिनाइयां हो रही है। बुनियादी और उच्च शिक्षा चाहने वाले बच्चों को गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के विश्वविद्यालयों में शिक्षा लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे ही हमारे क्षेत्र की कॉलेज की एफिलिएशन कभी गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ होती है तो कभी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के साथ। इस साल की बात करना चाहता हूँ, हमारी कॉलेजों का एफिलिएशन वीर नर्मद यूनिवर्सिटी से सालों से रहा, मगर अब जब एडमिशन शुरू हुआ तब पता चला कि उनका एफिलिएशन वीर नर्मद यूनिवर्सिटी से हटाकर गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ कर दिया गया। बच्चे कंफ्यूज है, करें तो क्या करें। मैं अपनी बेटी की बात करना चाहता हूँ। मेरी बेटी ने 1-10 की पढ़ाई गुजरात बोर्ड से की, 11वीं और 12वीं CBSE से की, और ग्रेजुएशन पुणे यूनिवर्सिटी से किया, और अब उनको महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी के साथ लॉ करना पड़ रहा है। ऐसे में बच्चे कंफ्यूज ना हो तो क्या हो। आज हम मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, डिग्री कॉलेज चला रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज चला रहे हैं, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और लॉ कॉलेज सहित IIIT की कॉलेज भी हमारे प्रदेश में सफलतापूर्वक चला रहे हैं। पर दुख होता है कि ये सब कॉलेजों का एफिलिएशन अलग अलग यूनिवर्सिटी के साथ होता है। महोदय जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि वह केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव के छात्रों के हित के लिए बुनियादी और सुलभ शिक्षा प्रदान कराने के लिए मेरे संसदीय क्षेत्र दमन में एक उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की कृपा करें, जिससे क्षेत्र के बच्चों के साथ धन्यवाद न्याय हो सके। धन्यवाद।